नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लुसेंट की रीजनिंग क्लास में, लुसेंट वर्बल रीजनिंग की क्लास में। तो आज की अपनी जो क्लास है उसमें देखेंगे कि मिड अल्फाबेट या बीच का अक्षर कैसे निकालते हैं, जिसको या इस भाषा में समझिएगा कि एवरेज औसत कैसे निकालते हैं, उस टाइप का जो क्वेश्चन बनता है उस पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले दो क्लासें हो चुकी हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखी हैं वो भी देख लें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज बात करेंगे एवरेज या बीच का अक्षर जैसे निकालते हैं, बीच का अक्षर, ठीक है, अल्फाबेट में बीच का अक्षर निकालने के लिए क्या करते हैं। तो एक फार्मूला होता है एवरेज का, जैसे फार्मूला होता है वही फार्मूला है सेम, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब बात करते हैं कि इसको कैसे निकालना है और किस तरीके से फाइंड करना है। तो फाइंड करने की बात है, जैसे कि सवाल दे रखा है, क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्ड वाला में कौन सा अक्षर बाएं से चारवें के बाएं सोलहवां अक्षर। तो क्वेश्चन आपका ये बना है यहां पर, अब देखिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चारवे के बाएं सोलहवां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, जैसा कि बताया है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि एवरेज निकलेगा कब, या एवरेज या बीच का अक्षर जब निकलेगा, तो इसको एवरेज जब निकलेगा, एवरेज कब निकलेगा, एवरेज जब निकलेगा जब बोथ पोजीशन आर सेम, या दोनों पोजीशन सेम हो। दोनों पोजीशन सेम का मतलब है कि या तो लेफ्ट लेफ्ट दे रखा हो, ठीक है, लेफ्ट और लेफ्ट दे रखा हो, या राइट राइट दे रखा हो, हिंदी समझ जाइएगा इसकी, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, यानी कि बाएं बाएं दे रखा हो या दाएं दाएं दे रखा हो, ठीक है। तो एवरेज जो निकलेगा वो तब निकलेगा जब इस टाइप के क्वेश्चन में, एवरेज जब निकलेगा या तो दोनों बाएं दे रखा हो या दोनों दाएं दे रखा हो। और अगर एक बाएं और एक दाएं है तो हम क्या करेंगे, एक बाएं निकाल लेंगे, वो सॉरी अगर एक बाएं है और एक दाएं है तो दाएं वाले को बाएं में कन्वर्ट करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको देखिएगा, तो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले इसको देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, यानी कि बाएं लेफ्ट से फोर दे रखा है और फिर बाएं यानी कि लेफ्ट से 16 दे रखा है, तो क्या दे, तो बीच का अक्षर निकालने के लिए क्या बताया है, बीच का अक्षर निकालने के लिए बताया है कि आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग इनका यानी कि 4 + 16 बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या 1 और 2 है, बटे 2 कर देंगे तो हो जाएगा 4 और 16 20, और 20 बटे 2 तो ये हो जाएगा 10। और आप जानते हैं ABCD के दसवें अक्षर पर जे आता है, ठीक है, तो ABCD के दसवें अक्षर पर जे आता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया इस टाइप से। अब इसका प्रैक्टिकली समझ लीजिए किस तरीके से बनता है, ठीक है, इसका डिटेल भी समझ लीजिए। जैसे कि ABCD का फोर्थ अक्षर क्या होता है, डी, और ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, पी सोलहवां अक्षर होता है,
फोर्थ पे डी होता है और 16 पर पी होता है। तो क्या पूछा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 14वें चौथे के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसके और इसके बीच का पूछा गया है, तो इसको इसको छोड़ देंगे, इसके इसके बीच का पूछा गया है तो इसको इसको छोड़ देंगे। अब एक यहाँ से कैंसिल करते चलिए, एक इस टाइप से, एक यहाँ से कैंसिल किया, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से कैंसिल किया, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, और एक इस तरफ से कैंसिल करेंगे, एक इस तरफ से कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पर क्या बच के आया है, जे बच के आया है। तो यही हमारा बीच का अक्षर हो जाएगा, यही हमारा या तो एवरेज कह लीजिए या बीच का अक्षर कह लीजिए, तो यही हमारा इस टाइप से हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं और क्वेश्चनों की, आगे बात करते हैं और क्वेश्चनों की, तो इसको अगर हम यहाँ पर चेंज कर दें कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर क्या लेफ्ट में 4 है और लेफ्ट में 6 है, तो इसका करोगे 4 प्लस 6 बटे 2, 6 4 10, 10 बटे 2 बराबर 5, 5 पे क्या होता है ई, बस हो गया, कुछ हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और अगर यहीं पर राइट राइट हो तो भी हम वही करेंगे, अगर यहाँ पर बाएं की जगह पर दाएं दाएं हो तो भी हम यही करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये हो जाएगा। और अब आगे बात करते हैं, अब यहाँ पर बाएं बाएं से हो गया, अब करते हैं दाएं और दाएं दे रखा हो, दाएं से दसवां और दाएं से 16वां। ठीक है, दाएं से दसवां और दाएं से 16वां दे रखा है, तो क्या दे रखा है, राइट से दे रखा है 10 और फिर राइट से दे रखा है 16, तो इन दोनों का निकालेंगे, 10 प्लस 16 बटे में 2, 10 प्लस 16 बटे 2 बराबर क्या होता है 26, 26 के बटे 2 करेंगे तो हो जाएगा 13, और 13 पर होता है m, 13 पर होता है m, तो m इसका बीच का अक्षर हो जाएगा। तो यहाँ पर m जो है वो बीच का लेटर हो जाएगा। ठीक है, m जो है वो बीच का हो जाएगा इस तरीके से। अब बात करते हैं अगर यहाँ पर एक लेफ्ट हो, एक राइट हो, एक बाएं हो, एक दाएं हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे पॉइंट समझिएगा, यहाँ पर अगर हम बाएं दे रखा है, बाएं से दसवें के दाएं से 16वां अक्षर, ठीक है, तो बाएं से दसवें के यानी कि बाएं यानी कि लेफ्ट से 10 और राइट से दे रखा है 16, अब क्या हो गया, यहाँ पर अपोजिट है, एक लेफ्ट है एक राइट है, लेकिन एवरेज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, दोनों सेम चाहिए, या तो लेफ्ट लेफ्ट यानी कि बाया बाया होना चाहिए या राइट राइट दाया या दाया होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम सबसे पहले, तो ये जो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो राइट वाला है इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, राइट वाले को लेफ्ट में करेंगे, तो लेफ्ट में करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से 16 घटाएंगे, 27 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बच जाएगा 11, 27 में से 16 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 11। ठीक है, तो जब हमारे पास 11 बच गया है, अब यहाँ पर करते हैं हम, ये तो लेफ्ट से 11 हो गया और एक लेफ्ट से 10 हो गया, तो इन दोनों का जब करेंगे हम, इन दोनों का, तो 10 प्लस 11 बटे 2 तो ये हो जाएगा 21 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, जब 21 बटे 2 हो जाएगा तो ये हमारा बीच का अक्षर इसमें से नहीं निकलेगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहीं पर हम कह देते हैं कि यहाँ पर 10 की जगह पर 9 है, 10 की जगह पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर 9 है, 10 की जगह पर 9 है, अगर हम यहाँ पर 9 कर देते तो ये हो जाता 9 प्लस 11 बटे 2, तो 11 9 20 और 20 बटे 2 बराबर 10, तो 10 आप जानते हो क्या होता है, जे, तो जे हमारा इस टाइप से हो जाता। तो आपको सारे के सारे तरीके यहाँ पर मालूम हो चुके हैं, और कि अगर लेफ्ट लेफ्ट दे रखा है तो आसान बात है, हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, अगर राइट राइट दे रखा है तो भी हम बीच का अक्षर आसानी से निकाल सकते हैं,
अगर लेफ्ट और राइट दे रखा है तो लेफ्ट राइट के लिए हम क्या करेंगे, राइट वाले को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, और राइट वाले को जब लेफ्ट में करेंगे, लेफ्ट में करने के लिए हम 27 में से जो राइट दे रखा है उसको घटाएंगे तो ये लेफ्ट बन जाएगा, फिर लेफ्ट लेफ्ट का निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम फिर लेफ्ट लेफ्ट का इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो फिर हम लेफ्ट लेफ्ट का इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेफ्ट लेफ्ट का यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो और एक बात इसमें और है कि अगर पॉइंट में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि पॉइंट में अभी पिछला वाला था यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हम 15 कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 15 कर लेते हैं, यहाँ पर हमने 15 कर लिए, यहाँ पर भी हमने 15 कर लिए, इसको छटाओ, यहाँ पर भी हमने 15 कर लिए, तो हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर 15 करो, हटाओ इसको 16 को, 27 में से 15 जाएंगे तो 12 आएंगे, 27 में से 15 जाएंगे तो 12 आएंगे, तो अब क्या करना है, इन दोनों का करना है, तो 9 + 12/2, 9 + 12 कितने होते हैं, 21, और 21/2, 21/2 क्या निकलता है, 10.5, एवरेज हमारा क्या निकल गया है, 10.5। तो 10.5 का मतलब या तो जे हो सकता है बीच का अक्षर, या के हो सकता है, या तो जे या के, यानी कि जे एंड के। अगर ऑप्शन में आप लोगों के जे एंड के दे रखा है तो राइट होगा, और अगर इस टाइप का जे एंड के नहीं दे रखा है, या जे दे रखा है केवल, या के दे रखा है और अन्य सारे ऑप्शन दे रखे हैं, या इनमें से कोई नहीं दे रखा है, तो आपको क्या करना है, उसमें इनमें से कोई नहीं लगाना है। अगर इस टाइप का ऑप्शन दे रखा है और इसी टाइप का निकल रहा है, मतलब दो दे रखे हैं ऑप्शन में जे एंड के, या इस टाइप से दे रखा है ऑप्शन ए एंड बी, तो आपको इस तरीके से पॉइंट वाले में कर सकते हैं, नहीं तो इनमें से कोई नहीं अगर दे रखा है तो इनमें से कोई नहीं लगा सकते हैं, या डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि इसका निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर का निकलता नहीं है। ठीक है, ऑड नंबर का हम एवरेज औसत नहीं निकाल सकते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज में। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट सीरीज में हम ऑड नंबर का एवरेज नहीं निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी रीजनिंग की, जो एवरेज का टाइप था उस टाइप की हो गई है। ठीक है, तो इसमें आपके बस इसी टाइप के क्वेश्चन 3 टाइप के बनते हैं, या तो लेफ्ट लेफ्ट या लेफ्ट राइट बनता है, तो इस टाइप के आपके सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया तरीके से आप लोगों के समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टाइप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।